Welcome to the Athletes Strength and Training Program. Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 Sport. So guys, welcome to the another day of the Olympians. ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने ओलंपिक एथलीट्स के लिए बनाया है, ड्रग फ्री एथलीट्स के बनाया है. और आज जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो क्रिकेटर्स के लिए है, स्पेसिफिकली आपके जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, उनकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए. आपके जो गेम है आपका क्रिकेट, उसमें आपको कैसे एक्सेल कर पाए आप और इंजरी फ्री कैसे रहें थ्रू आउट द करियर. क्रिकेटर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है इंजरीज की, चाहे वो फिर फास्ट पेस बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, फ्रॉम यू नो एल्बो इंजरी, टेनिस एल्बो, पोस्टीरियर चेन में इश्यूज, यू नो लोअर बैक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो आज जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम करेंगे वो क्रिकेटर्स को ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथन करने के लिए. हम पुल मूवमेंट्स में आपके ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका जो पोस्टीरियर चेन है वो स्ट्रांग बने, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जब आपकी स्ट्राइक, जब आप करते हैं थ्रो करना या हिट करना बॉल को, तो वो उसमें पावर नहीं बनती है आपके मूवमेंट्स में. वो इसीलिए क्योंकि आपका पोस्टीरियर चेन, आपकी जो बैक मसल्स हैं वो वीक हैं. सो गाइस, बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसको टॉप टू बॉटम में एक बैलेंस फिजिक बनानी है. हमारी ट्रेनिंग का जो पर्पस है, फील्ड में जो आपका परफॉर्मेंस है वो लेवल उसका बढ़ जाए, राइट. तो चलिए गाइस, आज हिट करते हैं हम क्रिकेटर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स एंड बैट्समैन. सारी पूरी ट्रेनिंग बताऊंगा मैं, एंड लेट्स गो, लेट्स हिट द वेट्स. सो वी स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप, डायनेमिक वार्म अप. बॉडी ट्विस्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे फ्रंट एंड साइड्स. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो और हार्ट रेट अप करने के लिए. नाउ साइड लंजेस, इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू एक्टिवेट योर हिप मसल्स, योर हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग. Now high raises with jump. Now high knees, it's a good exercise to up your heart rate and get that blood pumping. उसके बाद हम कर रहे हैं leg wing hand touch, जिसका हम एक set लेंगे. Now glute bridge, it's a good exercise to activate your glute muscles, your hamstring, your core, your lower back. बहुत important exercise है आपके इस तरह के workout से पहले जहां आपको heavy weight lifting करनी पड़ेगी. Now fire hydrant, आपके abductors and adductors दोनों muscles को train करेगा. एक hip mobility work आपका ये है, आपके hip की जो flexibility है वो increase होगी और जो आने वाले lifts हैं उसमें आपको help मिलेगी, injury नहीं होगी. Now hyper extension of your lower back, superman. बहुत ही important exercise है to activate your lower back from your glutes to your hamstring, सब कुछ. Scorpion twists, इट्स अ गुड मोबिलिटी एक्सरसाइज. आपके लोअर बैक, अपर बैक दोनों ही ट्रेन होते हैं और जो इंजरी के चांसेस हैं आपके वर्कआउट में वो नहीं होते. अगेन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर योर कोर, बहुत इंपॉर्टेंट है कोर एक्टिवेशन करना बिफोर वी स्टार्ट दी वर्कआउट. और ये वेरिएशन है एक आपका प्लैंक्स का ही, थोड़ा सा टफ बनाता है प्लैंक्स को. नाउ यू फिनिश दिस एक्सरसाइज विद द प्लैंक्स इन द एंड, 30 सेकेंड्स का आप प्लैंक करेंगे. Now resistance band, बहुत important है guys. आपके shoulder का mobile होना, mobility work पूरी तरीके से करना है आपको. जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना scapula rehab, बहुत important है आपके back posterior muscles, आपके rear delts, आपका scapula warm होना अच्छे से. और साथ ही साथ आपका overall shoulder, आपके lateral raise यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि आपका जो lateral हिस्सा है वो भी warm हो जाए और शोल्डर आपका पूरी तरीके से ब्लड उसमें इंक्रीज हो जाए फ्लो. नाउ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज इस तरह का सपोर्ट पहनना आपको. पहली एक्सरसाइज है हमारी फ्लैट बेंच प्रेस, जिसको हम सुपर सेट करेंगे चेस्ट बार डिप्स से, जिसके हम चार सेट्स लेंगे, 8 to 10 रेपिटेशंस, 1 to 2 मिनट का रेस्ट होगा. चेस्ट प्रेस लगाने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लें लाइट वेट से. और ये बैक टू बैक लगानी है आपको एक्सरसाइजेस, चेस्ट प्रेस लगाते ही, बेंच प्रेस लगाते ही यू स्ट्रेट गो टू द बार्स और वहाँ पे आप एक्सरसाइज लगाएंगे. गाइस ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है खासकर क्रिकेटर्स के लिए, कि उनके फ्रंट मसल्स, खासकर चेस्ट और फ्रंट डेल्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो.
बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट में. आपके जो स्ट्राइक्स आप लगा रहे हैं उसमें बल्ला आपने पकड़ा हुआ है उसको स्विंग करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड चेस्ट. ध्यान दीजिए, बेंच प्रेस जब आप लगाएंगे तो पूरी तरीके से सही फॉर्म में लगाएंगे, रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेंगे और टेम्पो का ज़रूर ध्यान रखेंगे. बहुत फास्ट आपको लेके नहीं जाना है, स्लोली स्टेडी आराम से बिल्कुल लगानी है एक्सरसाइजेस. पैरल बार डिप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे बॉडी को लेके, ताकि आपका शोल्डर और आपका एल्बो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ये जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज आपके स्पोर्ट के लिए, तो सिर्फ चेस्ट मसल को एक्टिवेट करना है ना कि दूसरे मसल्स को. नाउ गाइज, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इस तरह का एल्बो स्लीव ज़रूर खरीद लें, ताकि आपको आपके लिफ्ट्स में कोई भी तरह की इंजरी ना हो. गाइज, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है बैक टू बैक लगाना. यू नीड अ लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ एज वेल एज यू नो आपका मसल स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए इतना हैवी वेट लिफ्ट करके डायरेक्टली इस तरह की एक्सरसाइज करना. दूसरी एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं सील रोज विद डंबल्स, जिसको हम सुपर सेट करेंगे केबल रोज वाइड ग्रिप. 4 सेट्स लेंगे, 8 से 10 रेपिटेशंस, 1 से 2 मिनट का रेस्ट होगा. गाइज, ये बहुत ही नया वेरिएशन है रोज लगाने का, और जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगा रहा हूँ मैं. अपने जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको होल्ड करना है आपने 1 सेकंड के लिए, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. आपके पोस्टीरियर चेन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो खासकर हमें क्रिकेटर्स के लिए चाहिए. आपके जितने भी फास्ट पेस बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उन्हें टेनिस एल्बो की, स्कैपुला की प्रॉब्लम, शोल्डर की प्रॉब्लम, तो वो इसीलिए होता है कि आपके फ्रंट मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपके बैक मसल्स से. तो बैक मसल्स का स्ट्रॉन्ग करने के लिए सील रोज इज़ द बेस्ट रोज, और उसके साथ आप जो सुपर सेट कर रहे हैं केबल रोज, इसमें आपका ओवरऑल बैक ट्रेन हो रहा है. सील रोज का गाइज एक बहुत ही बेनिफिट ये मिलता है आपको कि आपकी अपर बॉडी बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल पैरेलल है ग्राउंड के और स्टेबल रहती है. इसमें किसी भी तरह का चीट आप कर नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बैक लैट्स ही आपका इंगेज होगा. और वाइड ग्रिप रोज केबल का एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस आपका मेंटेन रहता है आपके लैट्स में, आपके स्कैपुला में, जो हम चाहते हैं कि आपका स्कैपुला स्ट्रांग बने, ताकि आपको किसी भी तरह की इंजरी इन फ्यूचर आपके स्पोर्ट में ना हो. तीसरी एक्सरसाइज हमारी रिस्ट कर्ल्स, जिसमें हम एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स दोनों को ट्रेन करेंगे. उसके बाद हम सुपर सेट करेंगे रिवर्स ट्राइसेप पुली पुश डाउन से, जिसके हम 3 सेट्स लेंगे, 10 से 12 रेपिटेशंस, 1 से 2 मिनट का रेस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स को ट्रेन करना, खासकर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जो बैट आप पकड़ते हैं उसमें फोर आर्म स्ट्रेंथ बहुत चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपका ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो यू नीड अ गुड फ्लेक्सर मसल्स, गुड एक्सटेंसर मसल्स, ताकि आप बैट को स्विंग कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ, और किसी भी तरह की आपको टेनिस एल्बो जैसी इंजरी ना हो. गाइज, यहाँ पे पुली पुश डाउन ट्राइसेप लगाने का मेन पर्पस ये है कि आपके जो ट्राइसेप मसल्स हैं, विच इज़ दी 70% ऑफ योर आर्म, जो आपका बाइसेप दिखाई देता है, जो आपका डोला दिखाई देता है, उसका 70% जो हिस्सा है वो ट्राइसेप है. और ट्राइसेप ही एक ऐसा मसल है जो आपको स्विंग करने के लिए हेल्प करता है जब आप बैट को स्विंग करते हैं. ठीक है, तो एक क्रिकेटर के लिए, बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइसेप का स्ट्रॉन्ग होना. आप देख सकते हैं विराट कोहली, धोनी, एवरीबडी हैज़ अ गुड ट्राइसेप मसल.
ना फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी स्नैच, क्रॉसफिट स्टाइल में लगाएंगे जिसे हम, और इसके हम 5 वर्किंग सेट्स लेंगे जिसके बीच में हम लेंगे 1 से 2 मिनट का रेस्ट। गाइस ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, और वार्म अप आप बिल्कुल करेंगे इसका जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सीधे स्टार्ट नहीं करना है आपको स्नैच लगाना, नोबडी स्टार्ट्स स्नैच स्ट्रेट अवे। पूरी तरीके से आप वार्म अप करेंगे, पहले जंप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे से बारबेल को लिफ्ट करेंगे ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस है स्नैच का, ये पूरी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल मेक अ ट्यूटोरियल वीडियो लेटर। स्नैच हमारी पावर बेस की एक्सरसाइज है जिसमें हम एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके इम्पल्स को बढ़ाने के लिए, जो आपके स्पोर्ट में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर आपको रिलीज़ करनी होती है उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप वेट को, डेड वेट को ज़मीन से उठा रहे हैं और स्ट्रेट अपने सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, एंड देन यू स्क्वाटिंग डाउन। तो आपका पूरा का पूरा बॉडी इसमें एंगेज हो रहा है, फ्रॉम योर डेड लिफ्ट्स टू योर स्क्वाट्स टू योर शोल्डर प्रेसेस, सारी चीज़ें। सो इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड एक्सरसाइज। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से करेक्ट फॉर्म में लगाना है, क्योंकि इंजरीज भी हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप लाइट वेट से लगाएं अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। लाइट वेट से मेरा मतलब है सिर्फ बार से। इसके सिर्फ हम 5 से 6 रेपिटेशंस लगाएंगे, ज़्यादा आपको रेपिटेशंस नहीं लगाने, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज है जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी और पूरी तरीके से आप टायर्ड महसूस करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं आखिरी का रेपिटेशंस मेरा भी थोड़ा स्विंग हो गया। सो कोशिश आपको स्नैच में ये करनी है कि आपका जो बार है वो बॉडी की क्लोज लिफ्ट हो, और आप एक पुल करें अपने आर्म्स को ऊपर, और साथ ही साथ अपने जो थाइज हैं उसका भी इस्तेमाल करें अपने बारबेल को पुश करने में ऊपर की ओर। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लाइट वेट से ही इस एक्सरसाइज को करें, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज विद करेक्ट फॉर्म, वो आपको बेनिफिट करेगी। नाउ फिफ्थ एक्सरसाइज इज रोटेशनल स्विंग्स विद केबल। ये बहुत ही अच्छी एक्सप्लोजिव एक्सरसाइज है जिसके हम 3 वर्किंग सेट लेंगे, 10 से 12 रेपिटेशंस ईच साइड, और 1 से 2 मिनट का रेस्ट होगा। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे आप बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, आपकी रोटेशनल पावर आपकी बॉडी में होनी चाहिए। जब आप बैट को स्विंग करते हैं तो एक रोटेशनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है आपके लैट्स से लेकर आपके ट्राइसेप्स से लेकर आपके फोरआर्म में। तो ये एक्सरसाइज आपके पूरे रोटेशनल एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाएगी, और बैट्समैन अगर आप हैं तो आपको बहुत ही डिफरेंस महसूस होगा जब अपने शॉट्स को आप खेलेंगे, स्ट्राइक आपकी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ और पावर आपकी उस शॉट में बढ़ेगी। और साथ ही साथ बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके जो रोटेशनल स्विंग इसमें कर रहा हूँ मैं, इससे आपको बेनिफिट होगा आप बॉलिंग में पेस बढ़ाने में। 6th एक्सरसाइज है हमारी सुपरमैन कोर स्ट्रेंथ पुशअप्स, जिसके हम 3 सेट्स लेंगे, 30-60 सेकंड्स ईच सेट, और 1 मिनट का रेस्ट होगा। गाइस अगेन इट्स वेरी हार्ड कोर एक्सरसाइज, आपके कोर मसल्स बर्न हो जाएंगे बुरी तरीके से, जो हमें चाहिए, और इट नीड्स अ लॉट ऑफ कोर स्ट्रेंथ, आपका कोर एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। सुपरमैन पुशअप्स इट्स अ वेरी हार्ड एक्सरसाइज, अगर आप बिगिनर हैं एडवांस नहीं हैं तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू। इसकी जगह पे आप प्लैंक्स कर सकते हैं अगर आपको ये हार्ड लगे एक्सरसाइज तो, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं तो यू कैन स्टार्ट डूइंग सुपरमैन पुशअप्स। नाउ हमारी लास्ट एक्सरसाइज है कंडीशनिंग के लिए साइकिलिंग, और रनिंग भी कर सकते हैं अगर साइकिलिंग अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम 10 मिनट करेंगे मीडियम टू फास्ट पेस में।
सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रिकेटर्स के लिए, बैट्समैन, बॉलर्स. अगर आप हॉकी भी खेलते हैं तो भी आपको ये बेनिफिट करेगी. ऑलराइट गाइज, सो आई विल सी यू सून. टेक केयर. बाय बाय.